डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हटकर देश और मुंबई से अलग, महाराष्ट्र से अलग। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद की। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान में जिस तरह की गहमा गहमी चल रही है, इमरान खान के सत्ताच्युत होने के पूरे संदेश मिल रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, उसे सज़ा मिली है। उसके बेटे को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भारत की तरफ से भी घोषित किया गया है। 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 साल कैद की सज़ा मिली है। ये सज़ा पाकिस्तान की एक अदालत ने सुनाई है। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को दो मामलों में सज़ा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसकी संपत्ति को भी सीज करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद की तरफ से कथित तौर पर बनाई गई एक मस्जिद और एक मदरसे को भी सीज कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने आतंकी संगठन के सरगना पर लगभग 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ साथ हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को भी भारतीय गृह मंत्रालय ने नामित आतंकवादी घोषित कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार तलहा लश्कर ए तैयबा का वरिष्ठ नेता और मौलवी विंग का प्रमुख था। खास बात यह है कि तलहा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले 2020 में एक टेरर फंडिंग मामले में सईद को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जमात उद दावा का चीफ होने के साथ साथ सईद एक दूसरे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का भी फाउंडर रहा है। यहां बता दें कि कई जानकारों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा का ही बदला हुआ नाम है। कई आतंकी हमलों में हाफिज सईद का हाथ होने का दावा किया जाता रहा है। उस पर कई सारे आतंकी हमलों के लिए फंडिंग करने का भी आरोप है। सईद साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। तब समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने शहर की कई प्रमुख जगहों को निशाना बनाया था। इनमें ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी जगहें शामिल थी। 2-2, 3-3 के गुट में आतंकियों ने इन जगहों को निशाना बनाया था। 4 दिनों तक मुंबई शहर बंद रहा था और 2400 घंटे गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। भयावह आतंकी हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में शहीद हेमंत करकरे भी थे, जो उस समय मुंबई एटीएस की कमान संभाल रहे थे। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है। अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर लगभग 75 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। उसने सईद को ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सईद को लिंक किया जा चुका है। हाफिज सईद इस समय 70 साल का है। वो पहले भी अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान में सजा काट चुका है, इसमें नज़रबंदी भी शामिल है। साल 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी इमरान खान के अमेरिका दौरे से ठीक पहले हुई थी। गिरफ्तारी के समय वो लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। सईद को कम से कम 8 बार गिरफ्तार और फिर रिहा किया जा चुका है। इससे पहले साल 2017 में हाफिज सईद और उसके 4 आतंकी साथियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 11 महीने बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। दुनिया भर में आतंकवादी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हाफिज सईद पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रही थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर किसी देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दे तो उस पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इन खबरों का आना पाकिस्तान के लिए चिंताजनक तो था ही, भारत के लिए ये एक खुशखबरी की बात रही। हालांकि हाफिज सईद असल मुजरिम भारत का है, उसे भारत लाया जाना चाहिए था और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के तहत ही भले ही पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
हाफिज को मात्र 31 साल नहीं बल्कि उसे कड़ी से कड़ी और भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। यह पाकिस्तान का ज़रूरी मामला है यह कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि हाफिज़ सईद, दरअसल अगर हाफिज़ सईद हमारे नौजवानों का, हमारे जवानों का और 166 लोगों के कातिल, 166 लोगों का सीधे कातिल है। देखते हैं पाकिस्तान इस पर क्या रुख अपनाता है। उसके बेटे को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ सुझाव अगर आपके पास हो तो हमारे चैनल के माध्यम से दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।